हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बिग स्क्रीन। तो आज की हमारी कहानी की शुरुआत ग्रेसफील्ड नाम के अनाथालय से होती है, जहां इजाबेला नाम की एक लेडी सभी बच्चों का ध्यान रखती है। यहां के सभी बच्चे इजाबेला को माँ कहते हैं और उसके साथ बहुत खुश रहते हैं। साथ ही सभी बच्चे एक दूसरे को भाई बहन मानकर बहुत ही अच्छे से रहते हैं और सभी बच्चों की पहचान के लिए उनके गले पे नंबर्स के टैटू बनाए हुए हैं। अनाथालय में इजाबेला बच्चों को पढ़ाती भी थी ताकि जब उन्हें अडॉप्ट किया जाए तो वो बाहर की दुनिया में अच्छे से जी सके। इमा, नॉर्मन और रे तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ ही यहाँ के होशियार स्टूडेंट्स भी। ये अनाथालय एक सुंदर मैदान से घिरा हुआ था जहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। यहाँ कोई भी बच्चा अनाथालय की दीवार को पार नहीं कर सकता क्योंकि ये अनाथालय का रूल था। इसके अलावा जब कोई फैमिली किसी बच्चे को अडॉप्ट करती थी तब उस बच्चे को हमेशा के लिए अनाथालय छोड़ना पड़ता था। इसी तरह आज रात कोनी नाम की बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आने वाली थी, इसलिए सब कोनी को अलविदा कहते हैं और फिर इजाबेला कोनी को अनाथालय से बाहर ले जाती है। कोनी के जाने के बाद एमा और नॉर्मन बात करते हैं कि क्या कोनी हमें लेटर भेजेगी। दरअसल अनाथालय से जाने वाले बच्चे प्रॉमिस करते थे कि वो बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स को लेटर जरूर भेजेंगे, लेकिन आज तक किसी भी बच्चे ने अनाथालय में लेटर नहीं भेजा था। वेल, इसी दौरान एमा और नॉर्मन की नजर कोनी के फेवरेट टेडी पर जाती है, जिसके बिना कोनी कहीं भी नहीं जाती थी। इसलिए ये दोनों कोनी के टेडी को उसे देने का सोचते हैं। तभी रे कहता है कि मेन गेट की लाइट अभी भी चालू है, जिसका मतलब कोनी अभी भी यहीं पर है, इसलिए तुम जल्दी से उसके टेडी को देकर आ जाओ। फिर एमा और नॉर्मन जल्दी से गेट की तरफ भागते हैं, जहां गेट पर इन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। जब ये उस ट्रक के अंदर देखते हैं तो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि उस ट्रक के अंदर कोनी की डेड बॉडी रखी हुई थी और उसके सीने पर एक फूल लगा हुआ था। इतने में इन्हें वहां किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये दोनों उसी ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। तभी वहाँ दो बड़े बड़े डीमंस आते हैं जो कोनी की डेड बॉडी को एक कैप्सूल में डाल देते हैं। इन डीमंस को देखकर एमा और नॉर्मन बुरी तरह से डर जाते हैं और इनकी बातें सुनते हैं, जहाँ डीमंस कहते हैं कि इस जगह पर रहने वालों का मीट काफी अच्छी क्वालिटी का होता है और इन इंसानों को सिर्फ हमारे लिए पाला जाता है। जिन्हें सुनने के बाद एमा और नॉर्मन समझ जाते हैं कि उनका अनाथालय इंसानों का फार्म है, जहाँ सभी बच्चों को डीमंस के खाने के लिए रखा जाता है और एक दिन डीमन सभी को खा जाएंगे। इसी बीच वहाँ इजाबेला आ जाती है, जो दोनों डीमन से वादा करती है कि वो अगली बार उनके लिए इंटेलिजेंट बच्चा लाएगी। असल में जो बच्चे इंटेलिजेंट होते थे उनका मीट अच्छी क्वालिटी का माना जाता था। इसी दौरान डीमन्स को इमा और नॉर्मन की खुशबू आ जाती है, इसलिए वो चारों तरफ चेक करने लगते हैं। लेकिन जब वो ट्रक के नीचे देखते हैं तो उन्हें सिर्फ कोनी का टेडी दिखाई देता है, जिसे उठाकर वो इजाबेला को दे देते हैं। इस टेडी को देखकर इजाबेला को शक हो जाता है कि यहाँ जरूर कोई बच्चा आया था। हालांकि इसी बीच एमा और नॉर्मन वापस अनाथालय की तरफ भाग जाते हैं। भागते भागते एमा अचानक गिर जाती है और रोने लगती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ एक बुरी इंसान है और वो जहाँ रहते हैं वो कोई अनाथालय नहीं बल्कि इंसानों का फार्म है। तभी नॉर्मन उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे दिलासा देता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, जिस पर एमा कहती है कि हम अकेले नहीं भागेंगे बल्कि अनाथालय के बाकी बच्चों को साथ लेकर जाएंगे। अगले दिन एमा और नॉर्मन अनाथालय की फैंस के करीब जाते हैं, जहाँ नॉर्मन कहता है कि हमें यहाँ से भागने के लिए पहले एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी और जब हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी तब हम बाकी बच्चों को इस बारे में बताएंगे। इसके बाद दोनों उस एरिया की जांच करने के लिए फेंस को पार करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि फेंस की दूसरी साइड एक बहुत ही ऊंची दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन था। इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें एक रस्सी लेकर यहाँ वापस आना होगा। दूसरी तरफ सारे बच्चे मैदान में खेलना बंद कर देते हैं क्योंकि उनमें से एक लड़की गायब हो गई थी। तभी इजाबेला वहाँ आ जाती है, जो जल्दी से अपनी घड़ी निकाल कर देखती है और जंगल की ओर चली जाती है, जिसके बाद कुछ ही सेकंड में वो खोई हुई लड़की को अपने साथ वापस ले आती है। ये देखकर एमा और नॉर्मन समझ जाते हैं कि इजाबेला ने सभी बच्चों पर ट्रैकर लगाया है, जिसकी मदद से वो हर एक बच्चे की लोकेशन का पता लगा लेती है। अगले दिन एमा और नॉर्मन जंगल में जाकर एक पेड़ में कुछ रस्सियां छुपा देते हैं, जिस दौरान उनका फ्रेंड रे वहां आ जाता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। फिर नॉर्मन रे को सब कुछ बता देता है। रे को उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है और वो भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि सभी बुक्स पर उल्लू का स्टैंप लगा हुआ है, जिसके चारों ओर एक कोड लिखा हुआ है। जब वो उस कोड को डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिनोर्मा नाम का एक आदमी अनाथालय की सारी सच्चाई जानता है और बुक्स के जरिए उन्हें बताना चाहता है कि सभी बच्चों को इस अनाथालय से भाग जाना चाहिए। इसके बाद शाम को इजाबेला सभी बच्चों को अपनी नई असिस्टेंट क्रोन से मिलवाती है। क्रोन के यहाँ आने से एमा और नॉर्मन के भागने का प्लान अब और भी ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि अब
बच्चों के देखभाल के लिए अनाथालय में दो लेडीज थी जिनसे बचना उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला था। यहाँ इजाबेला क्रोन को एमा नॉर्मन और रे की प्रोफाइल दिखाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि ये तीनों बच्चे अनाथालय की सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए तुम्हें इन तीनों पर कड़ी नजर रखनी होगी। अगले दिन वो तीनों सभी बच्चों को एक स्पेशल गेम खिलाते हैं। इस गेम के जरिए वो दूसरे बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि अगर उन्हें कभी यहाँ से भागना पड़े तो वो छुप कर भाग सकते हैं। लेकिन तभी क्रोन उनकी बातें सुन लेती है और उनके साथ उनके गेम में शामिल हो जाती है, जिसके बाद ये सभी बच्चे गेम खेलना शुरू कर देते हैं और क्रोन उन्हें पकड़ने लगती है, लेकिन वो नॉर्मन को नहीं पकड़ पाती। इसी रात फिर से ये तीनों मिलते हैं, जहाँ नॉर्मन कहता है कि मुझे लगता है कि बच्चों में कोई एक इजाबेला का जासूस है जो हमारी हर एक हरकत के बारे में इजाबेला को बता रहा है। नॉर्मन को लगता है कि ये जासूस कोई बड़ी उम्र का बच्चा है, इसलिए वो जासूस का पता लगाने के लिए अपनी उम्र वाले डॉन और गिल्डा को सच्चाई बताने का फैसला करता है। जहाँ डॉन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में आकर रे को पीटने लगता है, जिसपे एमा एक बार और इन्हें बताती है कि हमने जो भी कहा वो सब सच है और तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा। ये सुनकर गिल्डा एमा की बातों पर विश्वास कर लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि एमा इजाबेला से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो कभी भी उनके बारे में झूठ नहीं बोलेगी। इसके बाद नॉर्मन डॉन और गिल्डा को उनके द्वारा छुपाई गई रस्सियों की जगह के बारे में बताता है। इसी रात हम एक अनजान बच्चे को देखते हैं जो कि इजाबेला का जासूस था। वो इजाबेला को दरवाजे के नीचे से एक नोट देता है जिसमें रस्सियों के बारे में लिखा था और साथ ही लिखा था कि नॉर्मन एक बुरा इंसान है। अगली सुबह एमा नॉर्मन और रे देखते हैं कि उनकी छुपाई रस्सियों को इजाबेला ले गई। अब क्योंकि इनकी रस्सियों के बारे में इनके अलावा डॉन और गिल्डा ही जानते थे, इसलिए उनका सारा शक डॉन और गिल्डा पर ही जाता है। लेकिन तभी नॉर्मन बताता है कि डॉन और गिल्डा जासूस नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें रस्सियों की असली जगह के बारे में नहीं बताया था। साथ ही कहता है कि ये सब मैंने रे को चेक करने के लिए प्लान किया था और रे के अलावा रस्सियों की असली जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता था। इसका मतलब रे ही इजाबेला का जासूस है, जिस पर रे कबूल करता है कि वो ही इजाबेला का जासूस है और उन्हें बताता है कि मैं पहले से ही अनाथालय की सच्चाई को जानता था, पर मैं बाकी बच्चों की तरह मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इजाबेला के लिए जासूसी का काम शुरू कर दिया, जिसके बदले इजाबेला ने मेरी अडॉप्शन का टाइम बढ़ा दिया। साथ ही वो कहता है कि मैं अकेला ही यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से निकलने की उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए मैंने कोनी के टेडी को छुपाया ताकि तुम जब कोनी के टेडी को देने जाओ तो तुम्हें भी इजाबेला की सच्चाई का पता चल सके। रे की बातें सुनकर एमा और नॉर्मन उससे कहते हैं कि हम भी तुम पर भरोसा करते हैं और फिर वो रे को टीम में फिर से शामिल कर उसे डबल जासूस बना देते हैं, यानी कि अब रे इजाबेला के लिए नहीं बल्कि नॉर्मन के लिए जासूसी का काम करेगा। इसके बाद रे अपने रूम के फ्लोर पर बने सीक्रेट हॉल में रस्सियों को छुपा देता है। साथ ही वो हॉल में कुछ फ्यूल कैन और अपने बनाए गए गैजेट को भी रख देता है। असल में उसने ये गैजेट अपने ऊपर लगे ट्रैकर को हटाने के लिए बनाया था ताकि इजाबेला उसके लोकेशन का पता ना लगा सके। इसके बाद रे इजाबेला के पास जाता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए झूठ बोलता है कि बच्चे तुम्हारे खाने में जहर मिलाने की कोशिश करेंगे। इस इन्फॉर्मेशन के लिए इजाबेला उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन फिर भी वो रे से कहती है कि कुछ महीनों बाद तुम्हें अडॉप्ट कर लिया जाएगा, जिससे रे परेशान हो जाता है। अगले दिन पांचों बच्चे उन रस्सियों का टेस्ट करने के लिए उस दीवार के पास जाते हैं जहां क्रोन उन्हें रंगों हाथों पकड़ लेती है, लेकिन वो इजाबेला को बताने के बजाय बच्चों की मदद करने के लिए कहती है। साथ ही उन्हें बताती है कि मेरी बॉडी में एक चिप लगी है और अगर कोई बच्चा मेरी सिक्योरिटी से भाग जाता है तो मुझे चिप द्वारा करंट देकर मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो उनकी मदद करने का फैसला करती है, जहां बच्चों को पता चलता है कि क्रोन भी इसी अनाथालय में पली बड़ी थी और अब वो इजाबेला को हटाकर उसकी जगह लेना चाहती है, इसलिए वो बच्चों की मदद करना चाहती है। इसी रात वो पांचों बच्चे क्रोन के रूम में जाते हैं, जहां वो उन्हें एक कहानी सुनाती है कि 1000 साल पहले मानव जाति और डीमंस के बीच युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। इसलिए दोनों ग्रुप्स ने द प्रॉमिस नाम का एक सौदा किया, जिसमें दोनों ग्रुप्स अपनी अपनी दुनिया में रहने के लिए मान गए। साथ ही डीमंस ने इंसानों से वादा किया कि अब वो उन्हें और परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इसके बदले में इंसानों को उन्हें खाने के लिए कुछ बच्चे देने पड़ेंगे। यही कारण था कि अनाथालय में बच्चों को डीमंस के लिए रखा गया और उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा कर पालने लगे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों का दिमाग खाने से डीमंस समझदार हो जाते हैं, जिससे वो इंसानों पर हमला नहीं करते हैं। इसी दौरान वो बच्चे क्रोन से ट्रैकर के बारे में पूछते हैं, जिस पर क्रोन बताती है कि सभी बच्चों के कानों पर ट्रैकर लगाया गया है ताकि इजाबेला सभी बच्चों की लोकेशन देख सके। अब क्योंकि रे ने ट्रैकर को ब्लॉक करने का तरीका निकाल लिया था, इसलिए किसी को भी ट्रैकर की चिंता नहीं थी, जिसे क्रोन समझ जाती है कि बच्चों को ट्रैकर ब्लॉक करने का तरीका मिल गया है, इसलिए वो उनके तरीके का पता लगाने के बारे में सोचती है। अगले दिन सभी बच्चे जब खेलने के लिए बाहर जाते हैं, तब क्रोन ट्रैकर को ब्लॉक करने वाले गैजेट को ढूंढने के लिए बच्चों के बेडरूम में जाती है।
आती है, जिस दौरान गिल्डा उसे विंडो से देख लेती है और जल्दी अपने साथियों को बता देती है, जिससे बच्चे उस गैजेट को एक पिग टैडी में छुपा देते हैं, जिसे क्रोन ने पहले ही चेक कर लिया था। लेकिन यहाँ क्रोन को रे का सीक्रेट हॉल मिल जाता है, जिसे खाली देखकर क्रोन को शक हो जाता है और वो फिर से रूम की तलाशी लेने लगती है और उस पिग टैडी को उठा लेती है। लेकिन उसी दौरान वहाँ इजाबेला आ जाती है और क्रोन को एक लेटर देते हुए बताती है कि तुम्हें दूसरे अनाथालय में माँ की पोस्ट दी गई है, इसलिए तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर क्रोन को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो जाने से पहले पांचों बच्चों के लिए एक स्पेशल पेन छोड़कर चली जाती है। हालांकि जब क्रोन मेन गेट पर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात अनाथालय के सुपरवाइजर से होती है, जिसे सभी लोग दादी के नाम से जानते थे। यहाँ क्रोन दादी से अनाथालय में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर दादी कहती है कि इजाबेला अपना काम अच्छे से करती है और वो कभी भी बच्चों को भागने नहीं देगी। तभी वहाँ एक डीमन आ जाता है और दादी उस डीमन से क्रोन को मरवा देती है। इसके बाद हम एमा और नॉर्मल को उस दीवार के पास जाते हुए देखते हैं, जहाँ रे इजाबेला का ध्यान भटकाने के लिए उसको बातों में उलझा कर रखता है। लेकिन इजाबेला को उन सभी पर पहले से ही शक था, इसलिए वो रे की बातें नहीं सुनती और उसे एक रूम में लॉक कर देती है। लेकिन डॉन रे को उस रूम से बाहर निकाल लेता है। इधर इजाबेला दीवार की ओर पहुंच जाती है और एमा और नॉर्मल को रंगे हाथ पकड़ लेती है और उन्हें डांटने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जिसकी तुम्हें जरूरत थी, फिर भी तुमने अनाथालय के रूल्स को तोड़ने की कोशिश की। तभी अचानक एमा इजाबेला को पकड़ती है ताकि नॉर्मल वहां से भाग सके, लेकिन इजाबेला बड़े ही आसानी से एमा पर हावी होकर उसका पैर तोड़ देती है, जिसे देखकर नॉर्मल वहीं रुक जाता है और उसके बिना जाने से इनकार करता है। तभी इजाबेला नॉर्मल को बताती है कि अगला अडॉप्शन तुम्हारा ही होगा, इसलिए आज अनाथालय में तुम्हारा आखिरी दिन है। इसी रात चारों बच्चे नॉर्मल की मदद करने के लिए दोबारा इकट्ठा होते हैं, जिस पर नॉर्मल उनसे कहता है कि अगर मुझे दूसरों की रक्षा करनी है तो मैं खुशी से अपना बलिदान दे दूंगा। जिसके बाद नॉर्मल अपना सामान पैक करता है। उसी दौरान उसे एक पेन मिलता है जो कि क्रोन ने उनकी हेल्प के लिए रखा था। अगले दिन नॉर्मल जानकारी इकट्ठा करने के लिए रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि दीवार की दूसरी साइड काफी गहरी खाई है, वो आसानी से दीवार पार नहीं कर सकते। नॉर्मल वापस अनाथालय आ जाता है और अपने दोस्तों के लिए एक ड्राइंग बनाता है और उन्हें उस खाई को पार करने के लिए एक पुल खोजने को कहता है। इसी शाम अब नॉर्मल को अनाथालय से बाहर जाना था, इसीलिए वो सभी बच्चों से अलविदा कहता है, जहां एमा बुरी तरह रोती है क्योंकि उसे पता था कि वो डेमन अब नॉर्मल को खा जाएगा। इसके बाद इजाबेला नॉर्मल को मेन गेट पर ले जाती है, जहां नॉर्मल की मुलाकात पीटर नाम के एक आदमी से होती है, जहां पीटर नॉर्मल को समझाता है कि वो डीमन्स को खाना खिलाने वालों का लीडर है। और फिर वो नॉर्मल को सभी चीजें डिटेल में बताने लगता है, जिसपे नॉर्मल कहता है कि तुम्हें मुझको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ। तभी एक डीमन वहाँ आता है और नॉर्मल को मार डालता है। यहाँ एमा बहुत उदास होती है और अपने चोट के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी इजाबेला एमा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस अनाथालय की अगली माँ बनो, जिसे सुनकर एमा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रे अब अकेला हो चुका था, जिस वजह से अब यहाँ से बाहर निकलने की उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। इसी बीच इजाबेला रे को बताती है कि अडॉप्शन के लिए अगला नंबर तुम्हारा ही है। उसी रात एमा रे के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन रे के पास पहले से ही एक प्लान होता है, जहां वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग खुद को आग लगा लेता है। जैसे ही आग की लपटें रूम में फैलती है, एमा रोने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर इजाबेला दौड़ती हुई वहां पहुंच जाती है, जहां एमा रोते हुए उसे बताती है कि रे ने तुम्हारी वॉच के साथ सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर इजाबेला जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करती है। असल में इजाबेला के लिए उसकी वॉच बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो उसी वॉच के जरिए वो सभी बच्चों की लोकेशन देखा करती थी। यहाँ इजाबेला जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एमा वहाँ से जा चुकी है। दरअसल ये सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। एमा सभी बच्चों को वहाँ से लेकर भाग जाती है, जहाँ रे भी उसके साथ होता है। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें नॉर्मन के जाने के बाद एमा को उसका एक लेटर मिला था। लेटर में नॉर्मन ने यहाँ से भागने के कुछ तरीके लिखे थे और उस स्पेशल पेन को भी लेटर के साथ रख दिया था, जिसके बाद एमा ने वो लेटर डॉन और गिल्डा को दे दिया था ताकि वो बच्चों के साथ मिलकर प्लान पर काम करते रहे। इस प्लान के बारे में एमा ने रे को नहीं बताया था, क्योंकि इजाबेला हमेशा रे पर नजर रखती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जब रे खुद को आग लगा रहा था, तब एमा ने उसके ट्रैकर को चाकू से बाहर निकालकर आग में फेंक दिया था। और फिर इजाबेला को रे की मौत के बारे में एमा ने झूठ बोलकर उसे चकमा दे दिया था, जिसके बाद उसने सभी बच्चे के चिप को चाकू से हटा दिया था। लेकिन वो सबसे छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, इसलिए एमा ने उनसे वादा किया कि वो उन्हें लेने जरूर आएगी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां एक एक करके सभी बच्चे उस दीवार पर चढ़ जाते हैं और अपनी रस्सी को चट्टान
दुकान की दूसरी ओर फेंक कर हैंगर का यूज करके दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही एमा यहां से जाने वाली होती है तभी वहां इजाबेला पहुंच जाती है, जो एमा को बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह मासूम थी और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था, और जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने इस जगह से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब मैं इस दीवार पर खड़ी थी तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ से कभी भी नहीं भाग पाऊंगी। इसके बाद वो बताती है कि जब मेरा बच्चा हुआ था तो कुछ समय बाद उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए मैंने इस अनाथालय की माँ बनने और बच्चों को अच्छी जिंदगी देने का फैसला किया था। और यहाँ ये भी पता चलता है कि जब बच्चों को डीमंस के हवाले किया जाता था तब इजाबेला को बहुत दुख होता था, लेकिन वो ये सब इंसानों को बचाने के लिए कर रही थी। यहाँ इजाबेला ये भी कहती है कि तुम मेरी फेवरेट हो, लेकिन वो एमा को धमकी भी देती है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो रस्सी काटकर उसे खाई में गिरा देगी, जिस पर एमा कहती है कि माँ मुझे आप पर विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करोगी। तभी एमा उस रस्सी से दूसरी ओर जाने लगती है। उसे जाते देख इजाबेला अपने चाकू को निकाल रस्सी को काटने जाती है, लेकिन वो नहीं काटती। फिर वो दीवार पर खड़ी होकर गर्व से सभी बच्चों को यहाँ से दौड़ते हुए देखती है। तभी उसे याद आता है कि रे मैदान में बैठकर जिस सॉन्ग को गुनगुना रहा था वो वही सॉन्ग था जो इजाबेला अपनी प्रेगनेंसी के समय गुनगुनाया करती थी, जिससे इजाबेला को एहसास होता है कि रे ही उसका बच्चा था जो कि बचपन में ही खो गया था। दूसरी तरफ यहाँ सभी बच्चे जंगल में अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं। एमा बच्चों को एक पेन दिखाती है जिसे ओपन करने पर उसमें से एक उल्लू बाहर निकलता है जो कि सभी बच्चों को शहर की ओर ले जाने लगता है। इसी बीच इजाबेला पीटर और दादी से मिलने जाती है और सभी बच्चों के भागने के पीछे खुद को जिम्मेदार ठहराती है, इसलिए पीटर उसे सजा के तौर पर एक डीमन के हवाले कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी मूवी।